दोस्तों आप सभी लोग हमारी थंबनेल में तो देख चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लैकमेल करने वाली लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। हाँ दोस्तों, उन लड़कियों की फेसबुक प्रोफाइल मिल चुकी है। जो लड़कियाँ लड़कों को फेसबुक के माध्यम से ब्लैकमेल करती हैं, आज हम आपको उनकी पूरी सच्चाई बताएंगे और लाइव प्रूफ के माध्यम से उनकी चैटिंग भी आपको दिखाएंगे कि ब्लैकमेल करने वाली लड़की लड़के को अपने जाल में किस प्रकार फंसाती है। दोस्तों सबसे पहले ब्लैकमेल करने वाली लड़की लड़के को मैसेंजर पर हाय भेजती है और मैसेंजर पर अपनी चैट करती है, इसलिए आप उस लड़की की फ़ोटो देख सकते हो। उसका नाम है रीता और उसका व्हाट्सएप नंबर है 7317403463। यह उस लड़की का नंबर है और आप उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी देख सकते हो। उसकी पूरी फेसबुक प्रोफाइल लाइव प्रूफ के माध्यम से दिखाएंगे, आप देख लीजिए। यह उसकी फेसबुक प्रोफाइल है। अगर आपके फेसबुक पर किसी रीता कुमारी नाम की लड़की की मैसेज आता है तो आप उसका रिप्लाई मत कीजिए, उसे ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो आप भी इस जाल में फंस सकते हो। दोस्तों आप उसकी प्रोफाइल देख लीजिए, किस प्रकार की फ़ोटो उसने लगा रखी है। तो यह लड़की की फेसबुक प्रोफाइल है जो रीता कुमारी के नाम पर बनी हुई है। यह उसकी फेसबुक प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर फोटो है। यही लड़की है जो लड़कों को ब्लैकमेल करती है। आप इसकी पूरी फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए। इसकी फेसबुक प्रोफाइल हम ओपन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों इसकी फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। इसका नाम है रीता कुमारी, यह सिंगल है अभी। इसका दोस्तों हम जन्म भी देख लेते हैं। इसका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1999 को। इसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखते हैं। दोस्तों देखिए इस प्रकार की प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड है इसकी फेसबुक पर। अगर इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो आप तत्काल ब्लॉक कीजिए, नहीं तो आप भी इसके जाल में फंस सकते हो। यही लड़की है जो लड़कों को ब्लैकमेल करती है। दोस्तों देखिए रीता कुमारी इस काले चश्मे के पीछे जो आंखें हैं वो अच्छों को अपने जाल में फंसाती हैं, यानी कि ब्लैकमेल करती हैं। आप इसका सुंदर चेहरा देखकर इसके जाल में फंस सकते हो, लेकिन आप सतर्क हो जाइए। इसीलिए हम आपको इसकी फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहे हैं। अगर इस प्रकार की लड़की की आपके फेसबुक पर या मैसेंजर पर मैसेज आता है तो आप इसे ब्लॉक कर दीजिए, अन्यथा आप भी इसके जाल में फंस सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसकी मैसेंजर की चैटिंग दिखाते हैं कि यह लड़कों को किस प्रकार से मैसेज करती है। दोस्तों आप शुरुआत से इसकी चैटिंग देख लीजिए। नाम है रीता कुमारी,
वह लिखती है हाय। लड़का रिप्लाई देता है हाय, कहाँ से हो? लड़की लिखती है पुणे, महाराष्ट्र से। लड़का कहता है ओके जी, करती क्या हो? लड़की रिप्लाई देती है पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? लड़का पूछता है। लड़की कहती है सेकंड ईयर में। लड़का कहता है बीए कर रही हो कि बीएससी? लड़की कहती है बीए। गुड, वाह। लड़का कहता है गुड। उसके बाद लड़की का रिप्लाई आता है आप क्या करते हो? लड़का कहता है मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। तो लड़की का रिप्लाई आता है ओनली पढ़ाई। तो लड़का कहता है हाँ, आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है? लड़की कहती है और आप क्या करती हो? लड़की लड़के से पूछता है। फिर उसके बाद लड़की कहती है ओनली पढ़ाई, बोलो हाँ। लड़का कहता है पढ़ाई के साथ और क्या करती हो आप? यस, आप बोलो क्या करूँ। यानी कि लड़की कहती है दोस्तों आप बोलो मैं क्या करूँ, नहीं आप और क्या करती हो, पापा क्या करते हैं? लड़की कहती है मेरा पूरा बायोडाटा लेकर क्या करोगे? तो लड़का कहता है सॉरी, आपको प्रॉब्लम है तो नहीं बताइए, पिक आपकी है। फिर उसके बाद वह लड़का उस लड़की की प्रोफाइल से उसकी फ़ोटो निकालता है और मैसेंजर पर उसे भेजता है। उससे पूछता है यह फ़ोटो तुम्हारी है? तो लड़की रिप्लाई में कहती है यस मेरी है। क्यों, आपका पूरा नाम क्या है, क्या कर रही हो? लड़का पूछता है लड़की से, यानी कि ब्लैकमेलर से। लड़की कहती है मेरा नाम है रीता कुमारी। फिर उसके बाद लड़का पूछता है आपकी एज कितनी है? लड़की कहती है मैं अभी 22 साल की हूँ। इसके बाद लड़का कहता है शादी हो गई क्या? तो लड़की कहती है मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तो इसके बाद लड़का कहता है मैं भी बीएससी कर रहा हूँ। नाइस, लड़की कहती है। तो लड़का कहता है धन्यवाद, यानी कि थैंक्स, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? लड़की कह रही है लड़के से, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? लड़का कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ, बोलो। उसके बाद लड़की कहती है आप करना चाहोगे? आप दोस्तों स्वयं पढ़ सकते हो। उसके बाद लड़की रिप्लाई देती है ओपन टू ओपन बिना कपड़ों के वीडियो कॉल। तो लड़का कहता है लेकिन कभी किया नहीं है? लड़की कहती है यस, अभी फ्री हो क्या? लड़के से पूछती तो है। उसके बाद लड़का रिप्लाई देता है कभी किया नहीं है क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उसके बाद लड़की का रिप्लाई आता है आपकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी नहीं हुई है, दोनों को बहुत मज़ा आएगा। यानी कि लड़की कहती है ना तो आपकी शादी हुई है ना ही मेरी शादी हुई है, तो दोनों को बहुत मज़ा आएगा जी। लड़का कहता है जी। फिर उसके बाद वीडियो कॉल करता है लड़का मैसेंजर पर, तो लड़की नहीं उठाती।
लड़की कहती है रुको वेट करो। लड़की कहती है ओपन टू ओपन करती हूँ व्हाट्सएप पर। यस, लड़का कहता है यस आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लड़की कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप कहाँ पर हो अभी? कॉन्टैक्ट नंबर दो सेंड करो, यानी कि अपना नंबर दो मुझे। लड़की कहती है आप दो आपका नाम। लड़की पूछती है गुड्डू। लड़का बताता है ओरिजिनल नाम क्या है पूरा आपका? परमार। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करती हूँ, आप अपना नंबर सेंड करो। लड़का कहता है लड़की से ओके। लड़की कहती है ओके जी। फिर उसके बाद लड़की अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो ना, लड़के से कहती है आप दो ना। लड़का कहता है आप दो रीता जी अपना नंबर। तो उसके बाद वह लड़की लड़के को नंबर देती है। लड़की का नंबर है 73 17 300 463। फिर लड़का कहता है मैसेज करो, तो लड़की का रिप्लाई आता है व्हाट्सएप नंबर दो ना अपना। फिर उसके बाद लड़का व्हाट्सएप नंबर देता है ओके जी व्हाट्सएप ओके थैंक्स। दोस्तों आपने लड़की की फेसबुक प्रोफाइल देखी और लड़की की पूरी चैटिंग देखी। इस प्रकार लड़कियां आपको अपने जाल में फंसाती हैं। अगर इस रीता कुमारी नाम की लड़की की आपके फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो इसे ब्लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों देखा आपने उसकी फेसबुक प्रोफाइल की पूरी सच्चाई। आप के फेसबुक पर अगर इस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसे स्वीकार मत कीजिए, ना ही उसका कोई रिप्लाई दीजिए। आपने उसकी फ़ोटो देख ली है, उसका मोबाइल नंबर भी देख लिया है और उसकी फेसबुक प्रोफाइल भी देख चुके हो, इसलिए आप ऐसी लड़कियों को तत्काल ब्लॉक कर दीजिए। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो आप भी इस घटना का शिकार हो सकते हो, इसलिए ऐसी लड़कियों को तत्काल ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप इस घटना का शिकार हो चुके हो, अगर उसने आपका वीडियो बना लिया है तो आप उसका तुरंत व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों मेरा मकसद एक ही था, आप लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, क्योंकि आज फेसबुक से संबंधित ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।